नमस्कार, मैं अभिषेक बिहारी न्यूज से, और आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी खबर के बारे में जिसने बिहार में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। रविवार को सीएम नीतीश कुमार ने दरभंगा जिले के बाढ़ प्रभावित अलीनगर प्रखंड का दौरा किया। इस दौरान उनका राष्ट्रीय जनता दल के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर जाकर मिलना चर्चा में है। दोनों नेताओं की मुलाकात के राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं, विशेषकर तब जब मिथिलांचल में राजद के दो नेताओं तथा मुस्लिम चेहरों में से एक पूर्व केंद्रीय मंत्री जो अली अशरफ फातमी जदयू में सम्मिलित होने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि सिद्दीकी ने इसे गैर सियासी औपचारिक मुलाकात करार दिया। सीएम नीतीश ने दरभंगा के अलीनगर में बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनकी स्थिति को जाना। उन्होंने सामुदायिक रसोई तथा चिकित्सा व्यवस्था का निरीक्षण किया। लगभग 15 मिनट के अपने दौरे के क्रम में सीएम ने बाढ़ पीड़ितों को दिए जाने वाले सुविधाओं को लेकर पदाधिकारियों तथा पीड़ितों से बात की। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार अलीगढ़ के राजद पार्टी के विधायक अब्दुल बारी सिद्दीकी के घर पर रूपसपुर गए, जहां पर वो लगभग 10 मिनट तक रहे। यहां से निकलने के बाद वो सीधे हेलीपैड पहुंचे, जहां से वो कटिहार के लिए रवाना हो गए। इस 10 मिनट की मुलाकात में राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे दिया। जैसे अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बताया कि सीएम से उनकी मुलाकात बस बाढ़ के हालात पर हुई, उन्होंने इसे गैर सियासी मुलाकात बताया। पर खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि बिहार की सियासत पे इसका कितना असर पड़ेगा। ये मुलाकात सियासत को कहाँ ले जाती है और पार्टियों का भविष्य इस पर कितना निर्भर है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल बिहारी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर ये वीडियो आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।